ओम शांति। आज की तारीख है 9/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे मर्जी व बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। मर्जी व बना मना जीते जी मर गए। अगर जीते जी मर गए तो फिर मरे हुए के तो कुछ याद नहीं आता। तो बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। और क्या याद करो? तुम्ही संग बैठूं, माना तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग चलूं, सब कुछ तुम्ही संग मैं करूं। प्रश्न है सदगति दाता बच्चों की, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर है बाबा कहते बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी और निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न है जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। गीत बजा है तुम्हारे बुलाने को, जी चाहता है जी चाहता है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है कि हमने सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया। रोज आईने में अपना मुंह देखना है तो चेक करना है कि हम मोस्ट बिलेवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। नंबर 2, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल कर चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया कोई भी कार्य हो अच्छा और हम ये सोचें या कहें कि ये तो मैंने किया, बाबा कहते हैं नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया मैंने कहा ये नहीं, बाबा ने कराया। बाबा देखो कितना अच्छा हमको नम्रता का पाठ सिखाते हैं। निमित्त भाव में हम बच्चों को कैसे हम अपनी नेचर बनाएं वो सिखाते हैं। बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का आप बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले
कि इनकी तात और बात में बस बाबा बाबा ही है। स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन, उसको सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।